नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा में 14 दिन क्वारंटाइन हुई इमारत का सील थाने महानगर पालिका ने खोल दिया है। आज पूरे 14 दिन क्वारंटाइन में रहे मुस्कान इमारत के लोग, ये दोनों इमारत में सैकड़ों परिवार रहते हैं, आज उन्हें क्वारंटाइन से मुक्त किया है। बिल्डिंग को जो आज से 14 दिन पहले सील किया था, उसे अब खोल दिया है। आपको बता दें, मुमरा में सबसे पहला कोरोना पेशेंट इसी इमारत से मिला है और उसके बाद एक के बाद एक अब कोरोना पेशेंट की संख्या मुमरा में, हम कल तक की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, कल तक जो है 29 हुए हैं, यानी शाम तक 29 के करीब केसेस सामने आए हैं। मुमरा में पहले एक पेशेंट पाया गया था, उसके बाद जो है कल तक की रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो 29 केसेस सामने आए हैं। आज की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आज की रिपोर्ट आना बाकी है। बहरहाल दादी कॉलोनी एक पूरा इलाका है और इलाके में कई बिल्डिंग सील किया गया है। नगर सेवक सानू पठान ने अपने क्षेत्र में क्वारंटाइन हुए सैकड़ों घरों को किस तरह से देखभाल की, किस तरह से उनकी मदद की। इमारत का सील खुलते ही थाने महानगर के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी, मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहेर, हेमांगी घोड़े, धनंजय गोसावी और सानू पठान जो उस इलाके से नगर सेवक है, इन सब के लिए तालियां बजाई और यहां तक शासन प्रशासन और नगर सेवक सानू पठान का शुक्रिया अदा किया है। वहां पर जो है जो लोग थे जो 14 दिन से कैद थे एक ही जगह पर एक ही इमारत में, सुनिए गेट का सील खुलते ही लोग कैसे भावुक होकर बोलने पर मजबूर हुए। सानू पठान ने बताया है, 2 दिन बाद पास में ही 2 और इमारत है जिसको सील किया गया था, वो शबनम तहसीन को भी खोल दिया जाएगा। इसी तरह से जो जो भी इमारतें जो है सील की गई है उन्हें खोल दिया जाएगा, क्वारंटाइन में जो भी इमारतें हैं। लेकिन आज जो है 2 इमारत को खोल दिया गया जहां से पहले पेशेंट जो है पाए गए थे पॉजिटिव कोरोना के, और उन्हें अधिकारियों ने ये जरूर बताया है कि आपको जो है सोशल डिस्टेंस रखना होगा, प्रशासन ने जो समय दिया है उस समय अनुसार आपको घर से बाहर निकलना होगा। अच्छा लगा, आज हम लोग 14 दिन बहुत तकलीफ में रहे, आप लोग का भी बहुत साथ था और हम लोग को भी बहुत तकलीफ हुई, पर आप लोग का साथ तो हम लोग का एहसास नहीं हुआ। बहुत बहुत जजाकल्ला पुलिस लोग ने, लोग ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। और खाना थे पर हम लोग को ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ कि हम लोग अंदर पैक थे, क्योंकि हम लोग को हर चीज वक्त पे मिल चुकी। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करूँगा उस अल्लाह का जो ये सारी मुसीबत से आज निजात किया, और हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब, हमारी TMC, हमारी पुलिस और हिमांशु मैडम जो यहाँ मेडिकल की जो टीम है जिन्होंने दिन रात हमारी सहायता करी हर चीज़ में किए। मेरा तो फर्स्ट था जिम्मेदारी है कि लोगों का साथ देने के लिए, लेकिन विघ्नहर के बिल्डिंग वालों ने अपने 14 दिन जो आपने सुने कि लोगों ने खुद से कहा कि मैं तो उतर आई नहीं नीचे, तो ये उनके लिए बड़ी बड़ी हिम्मत की बात है। इससे मुमरा कौसा के अंदर एक पैगाम मिलेगा कि क्वारंटाइन में बिल्डिंग जाने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर क्वारंटाइन का पालन करते हैं तो 14 दिन बाद हमको राहत है ही। मैं जितनी भी बिल्डिंग, 7 बिल्डिंग सील है, उसकी सारी बिल्डिंग विंग मिला के, ए विंग, बी विंग, किसी की सी विंग है, सारी 7 विंग मिला के भी टोटल 7 बिल्डिंग है, और बाकी 38 बिल्डिंगों को ताला के बाद उनके चेयरमैन और उनके जिम्मेदारी के पास चाबी है, वो राहत के मिलते, लेकिन इनके पास तो वो भी मामला नहीं, क्योंकि बाकायदा सील लगा दी। लेकिन अभी सारी बिल्डिंगों का मामला 14 दिन पूरे हो गए, ऐसे ही तहसीन की भी खुल जाएगी कल परसों में, बाकी सारी बिल्डिंगों की क्वारंटाइन खत्म होने वाला है। मेरे हिसाब से 2 दिन के अंदर सारी अमृत नगर की जो बिल्डिंगें थी उनके पेशेंट रिकवर हो रहे, 13 पेशेंट रिकवर हो चुके हैं, ये बहुत मुमरा के हो सके खुशी की बात है। लेकिन आपसे मेरी, आपकी चैनल के माध्यम से ये मेरी आवाम को गुजारिश है कि हम एहतियाती के लिए प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर की टीम, जो आपको जिम्मेदार लोग बोल रहे वो लोग एहतियाती के लिए आपको बोल रहे, एहतियाती करेंगे तो हमको ये सब मुसीबतों से निजात मिलेगी। 80 घर के लोग थे, आज इसी ने उनका क्वारंटाइन ख़त्म हो गया, 4 तारीख के दिन उनको क्वारंटाइन में रखा गया। मैं आपके ज़रिए पूरे डिपार्टमेंट के धनंजय गोसावी साहब, आहेरे साहब, मनीष जोशी साहब और हिमांशी मैडम के सभी का शुक्रिया अदा करूँगा जो इतनी हालात में भी, कठिन हालात में मुमरा कौसा के अंदर खड़े रह के काम कर, जो शासन ने टाइम दिया है हम उसी टाइम पे बाहर आए, वो भी ज़रूरत हो तो, जब तक पूरे देश में, जब तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन है हमें उसका पालन करना चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।